अब आप इसे संयोग तो नहीं कह सकते कि एक तरफ आज चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की घोषणा की गई और आज ही उनके पोते और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के तेवर बदल गए। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि वो अब एनडीए में शामिल होने के प्रस्ताव को मना कैसे कर सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की और कहा कि जो कोई नहीं कर सका वो मोदी ने कर दिया। इससे पहले जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दिल जीत लिया। अब इस दिल जीत लेने वाली बात के मायने निकाले जा रहे हैं, उस पर बात होगी, लेकिन पहले आपको जयंत चौधरी का बयान सुनवा देते हैं। भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, कोई कसर रहती है? आज मैं किस मुंह से इनकार करूँ आपके सवाल? बीजेपी से सर दूरियां कम हो गई है, इस बात को मान लें हम लोग। जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया। तो इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी और रविंद्र मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, क्या कहा जाए भाई? जयंत चौधरी कह रहे हैं कि मोदी जी ने दिल जीत लिया और मैं कह रही हूं कि मोदी जी ने दिल के साथ साथ दल भी जीत लिया लोकसभा चुनाव के लिए। रवि तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची है। रविंद्र, आप मुस्कुरा रहे हैं मेरे सवाल पर, तो जवाब भी आप ही दे डालिए। जानकारी है और उन्होंने भी इसे इनकार नहीं किया, दल भी बीजेपी ने जीत लिया है, बीजेपी और आरएलडी। कल से ही हम लोगों ने, आपने भी दर्शकों को बताया था कि कल से ही कि बीजेपी और आरएलडी में समझौता हो गया, गठबंधन हो गया, तो दल भी जीत लिया गया है, दिल भी जीत लिया गया, जाटों के वोट भी बीजेपी के खाते में, एनडीए खाते में। यूपी की सियासत और यूपी की ही नहीं बल्कि हरियाणा राजस्थान के जाट लैंड की जो सियासत, वो भी कह सकते हैं कि 90 डिग्री चेंज हो गया है या 360 डिग्री चेंज हो चुका है। तो ऐसे में दल, दिल, सियासत सब कुछ जीत लिया है एक फैसले ने, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल ठीक है रवि त्रिपाठी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ऐसा मैं, मुझे जानकारी, ऐसा विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि साहब एक साल में आप 3 लोगों को भारत रत्न दे सकते हैं, लेकिन यहां पर 5 लोगों को भारत रत्न दे दिया है सरकार ने, और मुझे लगता है कि चौधरी चरण सिंह को देकर तो इससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक नहीं हो सकता। जाट वोट को साधा है और मुझे लगता है कि जयंत चौधरी के लिए भी ये फैसला कोई मुश्किल नहीं रहा होगा, क्योंकि वो भी समझ हैं कि जब अखिलेश यादव के साथ विधानसभा चुनाव में गए थे तो कोई करिश्मा कर नहीं पाए थे। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि जयंत चौधरी ने, चौधरी चरण सिंह को तो भारत रत्न मिलना एक बहाना है, लेकिन पहले से मन बना लिया था जाने का? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर इसको कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न से जोड़ के देखें तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना नीतीश कुमार का एनडीए में आना, अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना यानी माना जा रहा है कि जयंत चौधरी का आना, तो ये लगभग चीज़ें तय है जो देखने को मिल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए आज के दौर में सारे रिकॉर्ड मोदी तोड़ रहे हैं। जो आपने कहा कि 3 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, 5 दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो 3 प्रधानमंत्री, 3 बार प्रधानमंत्री बने नेहरू, उनका रिकॉर्ड की बराबरी करने जा रहे प्रधानमंत्री मोदी, तो तमाम तरह के रिकॉर्ड की बराबरी करने और टारगेट बढ़ा है। देखिए 400 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, 370 बीजेपी को लाना है, एनडीए को 400 पार करना है, तो इस लिहाज से ये सारे फैसले अगर जोड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसी लिहाज से ये फैसला हो रहा है कि जाट वोट बैंक हो, किसान वोट बैंक हो। जाट खाली नहीं, किसान भी, देखिए जाट कई राज्यों में है, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, आपको हरियाणा हो, राजस्थान हो, कई राज्यों में उसका इम्पैक्ट है, तो उसको एक साथ साथ लिया आपने, उसके अलावा किसानों को साथ लिया, जो किसान आज नाराज बैठे हैं। ये मान रहे हैं कि जयंत चौधरी इस समय जाटों के सबसे बड़े नेता हैं, खुद बीजेपी के पास प्रवेश वर्मा जैसे नेता हैं और भी कई बड़े जाट नेता हैं बीजेपी के पास? नहीं, लेकिन देखिए अभी ये मानना पड़ेगा बीजेपी के जाट नेता हैं, लेकिन जो अगर जाटों में एक्सेप्टेबिलिटी है तो आज भी चौधरी चरण सिंह से बड़ा नेता जाटों का कोई नहीं है। अगर जाट बेल्ट में आप जाएंगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश चले जाएं, हरियाणा चले जाएं, चाहे आप राजस्थान चले जाएंगे, तो वैसे लिहाज से देखा जाए तो उनकी फैमिली लिगेसी जयंत चौधरी के पास है, बीजेपी के नेताओं के पास नहीं। इस लिहाज से ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को साध कर आपने 3 राज्यों के जाटों को भी साधा और किसानों को भी साधा है, क्योंकि किसानों के सबसे बड़े नेता थे, खाली जाटों नहीं, किसानों के सबसे बड़े नेता आज तक का अगर कोई है देश में तो चौधरी चरण सिंह से बड़ा नेता नहीं है। और किसानों का आंदोलन आपको याद होगा, इसी इंडिया गेट के पास जो उनके आंदोलन को किया आज की। बिल्कुल आऊंगी रवि मैं आपके पास, लेकिन अभी प्रधानमंत्री ने संसद में, आपने भी सुना होगा, लोकसभा में परिवारवाद की एक परिभाषा बताई थी। मुझे लगता है कि जयंत चौधरी जो है वो उस पर अपवाद हो जाते हैं, लेकिन जी।